ये वो स्कूल है जो आजादी से पहले बना था, और मैं किसी प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, और आज भी उसी बिल्डिंग के अंदर स्कूल चलाया जाता है। ये स्कूल सन 44 में शुरू हुआ जी, उस समय छात्रावास था और लगभग 52-53 गाँव के आदमी यहाँ बच्चे पढ़ते थे। इस स्कूल को खाली महज स्कूल ना माने, ये इस अहिरवाल की तक्षशिला के नाम से जाना जाता है। हमारे स्कूल में 10 डिजिटल स्मार्ट बोर्ड है अमित जी, और आज भी आप आए होंगे तो सभी टीचर्स मेरे जिस भी रूम में आप गए होंगे, मेरे टीचर्स सभी के सभी डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। जब इस इलाके में खाने को अनाज नहीं था, तब इन्होंने 1944 के अंदर इस स्कूल की आधारशिला रखी, जिस समय पर लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि छात्रावास एक सरकारी स्कूल के अंदर हो सकता है। इवन आज तक शायद ही किसी स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर छात्रावास मिले, प्राइवेट में आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उस 1944 की बात सोचिए कि क्या उस समय पे कहीं छात्रावास मौजूद थे। उस व्यक्ति की सोच को दाद दीजिए, इस गांव के लोगों की सोच को दाद दीजिए आप, कि उन्होंने हॉस्टल बनाया यहाँ पर, लगभग 52 गाँव के छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ते थे। और ये था कि रिश्तेदारी में दूर दूर तक के, चाहे वो राजस्थान का है, दिल्ली का है, यूपी का है, पलवल का है, हांसी हिसार का है, झज्जर का है, अपनी भुआ के, मामा के, जीजी के, यहाँ ठहर के पढ़ने के लिए आते थे। हमने रेवाड़ी के बेस्ट से बेस्ट स्कूल, जिसको DPS RPS चाहे कोई भी नाम है, हमने उससे बेहतरीन ड्रेस अपने बच्चों को दी, ताकि बच्चे जब जाएं तो गांव की भी सीना चौड़ा करके जाए, आत्मसम्मान बढ़े, गौरव बढ़े, उसमें आत्मविश्वास बढ़े। आज ये किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये कंप्यूटर आपको नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है, सारे स्मार्ट बोर्ड को टीचर की अब्सेंस के अंदर मेरे बच्चे खुद ऑपरेट कर लेते हैं। ये मेन चीज़ है हमारे यहाँ बच्चों की, हमारे स्कूल की USP है ये। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, आप भी मेरे साथ, 10-10.5 एकड़ का मेरा कैंपस है, आप ढूंढ कर भी कहीं से कोई जाड़ा कहीं आपको नजर आ जाए, कोई कागज़ का तुनका कहीं नजर आ जाए, कोई लिटरिंग आपको नजर आ जाए, कोई रैपर नजर आ जाए आपको, आप खूब अपने कैमरे घुमाइए। आप जो है सभी बच्चे वेल ड्रेस्ड हैं, और बच्चों का जो ड्रेसिंग सेंस है वो किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। तो जल प्रबंधन की जो बेस्ट चीज़ें हैं वो हमारे स्कूल में सारी की सारी मौजूद हैं, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन है, चाहे स्टोरेज है, चाहे वाटर रिचार्जिंग है, वो सब चीज़ें हमने स्कूल के अंदर की हुई है। जिस समय ये छात्रावास था, इसकी अपनी एक प्रतिष्ठा थी, यहाँ 10 डॉर्मेटरी रूम थे और एक कमरे के अंदर लगभग 8-10 बच्चे इसके अंदर रहते थे। इसी स्कूल के अंदर जहाँ से उस समय पे पानी का प्रबंधन किया जाता होगा, वो जगह ठीक आपके पीछे है, और ये वही उसी समय का पुराना कुआं मौजूद है। हर रूम के बाहर एक टैब लगी हुई है, हर रूम के बाहर एक डस्टबिन लगा हुआ है। ये एक यूनिक सफाई जो इतनी इसके अंदर है, इसका कहीं ना कहीं सिरे इन चीज़ों को, व्यवस्थाओं को भी जाता है। आप मेरे किसी भी टॉयलेट में कहीं कोई दाग धब्बा या स्मेल, कितने 260 करीब बच्चे मेरे यूरिन जाते हैं, आपको कहीं पर भी स्मेल घर में भी आपको आ सकती है, लेकिन हमारे टॉयलेट में स्मेल नहीं आएगी। ईश्वर दत्त जी इसी गाँव के हैं, जो भारत सरकार के जल प्रबंधन के अंदर सरकार को एडवाइस देते हैं। देश के 4 कृषि के बड़े बड़े संस्थान हैं, उनके डायरेक्टर्स इसी स्कूल से निकले हुए हैं। जितने भी चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो आर्मी से संबंध रखते हैं, चाहे वो सिविल संबंध रखते हैं, सभी क्षेत्रों में इसके पढ़े हुए छात्र टॉप पोजीशंस पर रहे हैं। सरकारी स्कूल और सरकारी संस्थान किसी भी सूरत में भाई बंद नहीं होने चाहिए। अगर ये बंद हो जाएंगे तो भाई गरीबों के सपने, जो वंचित हैं, बेसहारा हैं, गरीब गुरबा हैं, उनके सपने मर जाएंगे। यहाँ जब हॉस्टल होता था तो हमारे एक बाबा किशनलाल जी होते थे, जो रसोईया का काम करते थे, और वो इतने प्रेमी थे कि शायद किसी का माँ बाप भी इतना बच्चे को खाना खिलाते समय प्यार ना करते हों। 2013 से और 2023 तक यहाँ से 47 बच्चे नेशनल हॉकी खेल चुके हैं। पहला IAS अधिकारी इस इलाके का था, वो इसी स्कूल से निकला हुआ है। कहीं भी एक कतरा, एक पत्ता, एक आप कागज का टुकड़ा कहीं भी नहीं स्कूल के अंदर दिखा सकते बिखरा हुआ, जबकि स्कूल के अंदर ना तो कोई पियोन है, ना कोई चौकीदार है, और ना ही कोई स्वीपर। इतना पुराना स्कूल है और आज के दिन इतने एडवांस तरीके से भी चल रहा है, और ये बिल्डिंग भी वही बिल्डिंग है जो उस जमाने में थी, और आज भी उसी बिल्डिंग के अंदर पूरा का पूरा जो स्कूल है वो चल रहा है। तो